Hello students, how are you? The students, as you know, we are studying how to convert singular into plural number. तो इसमें आपने 10 रूल पढ़ा है कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. अब लास्ट 5 रूल और हैं जिसको आपको स्टडी करना है. और इस वीडियो में ये सिंगुलर से प्लूरल में जो कन्वर्ट करने का रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का वो क्या है. जो 11 है इसका 11 सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का जो 11 रूल है इसमें यह है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दो वर्ड से बने होते हैं. मीन्स के कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दो वर्ड से बने होते हैं तो इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते समय दोनों वर्ड में चेंज करना पड़ता है तब जाके ये प्लूरल होते हैं. जैसे आप मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट को प्लूरल करना हो तो पहले आपको बताया गया कि मैन जो है इसको प्लूरल करने के लिए इसमें ई ऐड किया जाता है. ए को रिमूव करके ई ऐड कर दिया जाता है तो ये मैन हो जाएगा. ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ाया कि मैन को कैसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है. तो ए को ई में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है. उसी तरह से पहला वर्ड मैन है तो इसको मैन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सर्वेंट के लास्ट में एस ऐड कर दिया जाएगा. अब ये जाके प्लूरल होगा मैन सर्वेंट्स होगी. वैसे इस तरह के वर्ड देखने में बहुत कम मिलते हैं, यूज़ में नहीं है, फिर भी अगर कहीं दिखाई देता हो और प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो इस रूल को यूज़ करेंगे. जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैन ये जो नाउन है इसमें एक दो वर्ड जुड़ा है, एक मैन है और एक सर्वेंट है. तो रूल ये कहता है कि दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. चेंज क्या करना है कि मैन में ए के प्लेस पे ई ऐड कर दिया जाएगा और सर्वेंट जो है इसके लास्ट में इसके एस ऐड कर दिया जाएगा तो ये प्लूरल होगा. अब ये होगा मैन सर्वेंट्स, प्लूरल होगा. उसी तरह से वोमेन डॉक्टर, ये एक वर्ड है और इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, एक वोमेन है और एक डॉक्टर है. तो इसको मैं प्लूरल में कन्वर्ट करते समय वोमेन को पहले प्लूरल किया जाएगा तब डॉक्टर को प्लूरल किया जाएगा. वोमेन को अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि वोमेन को प्लूरल में कन्वर्ट करते समय इसमें जो मैन में ए है उसको रिमूव कर देते ओमेन हो जाएगा और डॉक्टर में एस ऐड कर देंगे डॉक्टर्स, ओमेन डॉक्टर्स. अब ये प्लूरल होगा. उसी तरह से इस तरह से ओमेन स्टूडेंट को प्लूरल करना हो, आप देखते हैं इसमें दो वर्ड हैं, ओमेन है तो ओमेन को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं प्लूरल कैसे किया जाएगा तो इसमें ई कर देंगे ओमेन और स्टूडेंट में एस ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में तो हो जाएगा ओमेन स्टूडेंट्स. इस तरह के वर्ड इस समय कॉमनली यूज़ में नहीं है बट अगर यूज़ में इस तरह के वर्ड दिखाई देते हों तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट किया जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा. नेक्स्ट है 12. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही होते हैं. वो सिंगुलर में भी वैसे ही होंगे, प्लूरल में भी वैसे ही होंगे. उसमें एस और ई एस या और भी कोई रूल लगा के सिंगुलर प्लूरल नहीं किया जाता है. तो वो मूल रूप से सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. जैसे सीप है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है. डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है. इनिंग्स, पारी जिसको खेल में आप फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स होता है, पहली पारी दूसरी पारी क्रिकेट खेलते हैं वही इनिंग्स है. तो इनिंग्स जो है वो हमेशा सिंगुलर में भी वही रहता है, प्लूरल में भी वही रहता है. सीरीज है या सिंगुलर में भी वैसे रहता है, प्लूरल में भी वैसे रहता है. अगर आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो सीप सिंगुलर है, देखने में सिंगुलर लग रहा है. इसको प्लूरल यूज़ करना हो, प्लूरल में कैसे यूज़ करना हो, 2 sheep 3 sheep इस तरह से कर सकते हैं या सीप के आगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लगा देने से प्लूरल हो जाएगा. उसी तरह से डियर को भी हेल्पिंग वर्ड के अकॉर्डिंग आप सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं. इनिंग्स को भी उसी तरह से कर सकते हैं और सीरीज को भी कर सकते हैं. उसके पहले कोई 2 3 4 इस तरह से ऐड करें या उसके बाद वर्ब यूज़ करें, वो आगे समझाया जाएगा इसको.
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगल और प्लूरल में एक ही होते हैं, उनको सिंगल और प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। 13 यह है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं, ये सिंगुलर होता ही नहीं है, हमेशा प्लूरल होता है। जैसे आर्म्स है, आर्म्स मीन्स भिक्षा होता है, भीख, तो आर्म्स ये देखने में भी प्लूरल ही दिख रहा है और प्लूरल होता भी है, सिंगुलर नहीं होगा। मीन्स आप चाहें कि इसको सिंगुलर कर दें, एस हटा दें, आम हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा प्लूरल में रहता है। यह सीजर्स है, कैंची, तो कैंची यहाँ पर है ऑलरेडी, ये प्लूरल में दिखाई भी दे रहा है, वो प्लूरल होता भी, इसको सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते। ट्राउजर्स है, पजामा जिसको कहा जाता है, तो ट्राउजर्स ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, एस हटा के सिंगुलर करेंगे गलत हो जाएगा, ये हमेशा जो मेन जो मूल रूप में ये प्लूरल ही होता है। ये लंग्स है, ये भी प्लूरल ही होता है। इसके बाद से थैंक्स है, थैंक्स ये भी प्लूरल ही होता है। मुझे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं हो सकते। और फोर्थ है, इसको अभी लास्ट रूल में मैं इसको समझाया था, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, चिल्ड्रेन है, पुलिस है, पब्लिक है, ये देखने में सिंगुलर दिखते हैं, आप देखेंगे तो लगेगा कि ये सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर होते नहीं, ये प्लूरल होते हैं। तो इस तरह से इनको लर्न कर लेना चाहिए। चिल्ड्रेन मोस्ट कॉमन है, बहुत यूज़ होता है चिल्ड्रेन, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस ऐड नहीं किया जाएगा, गलत हो जाएगा। पुलिस है, ये ऑलरेडी प्लूरल होती है, इसको आपको अलग से प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एस ऐड नहीं करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे, कोई भी रूल इसमें नहीं लागू करेंगे। पब्लिक ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो ये है चिल्ड्रेन, पुलिस, पब्लिक, यह प्लूरल होते ही हैं, इसको सिंगुलर में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, या सिंगुलर में नहीं रखा जाएगा। एंड लास्ट है 15, यहाँ पर भी कुछ वर्ड ऐसे लिखे गए हैं, जैसे पोइट्री है, सीनरी, म्यूजिक है, न्यूज़, नॉलेज, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, मीन्स इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। प्लूरल में कन्वर्ट करने का मतलब इसमें एस एड, यस एड नहीं किया जाएगा। जैसे पोइट्री है, तो पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होगा। सीनरी है, सीनरीज नहीं होगा। म्यूजिक है, म्यूजिक्स नहीं होगा। न्यूज़ है, न्यूजेस नहीं होगा। नॉलेज है, नॉलेजेस नहीं होगा। ये जो नाउन है, ये जो वर्ड हैं, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, इनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए रूल है। नाउन को लेकर के, नाउन छोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसको आगे के वीडियो में जब कुछ बड़े चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें एक बार और इसको इनलार्ज करके पढ़ा जाता है, बड़ा करके पढ़ा जाता है। लेकिन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते समय इसको बहुत थोड़ा थोड़ा स्टडी किया जाता है कि समझ में आए आपको। तो इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का जो रूल है, वो सारा आपको बता दिया गया। अगर इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।